नमस्कार, इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं नवीन कुमार। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में आज पंजाब कांग्रेस की तरफ से चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध कर रही है। कांग्रेस गवर्नर राहुल की तरफ प्रदर्शन करने पहुंचे तो रास्ते में चंडीगढ़ पुलिस ने रोक लिया। कांग्रेसियों ने बैरिगेटिंग तोड़ आगे जाने की कोशिश की, लेकिन पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजाबड़िंग और यूथ कांग्रेस के प्रधान बरिंदर ढिल्लो की तरफ से और बहुत सारे जो कांग्रेसी थे उनकी तरफ से बैरिगेटिंग के ऊपर चढ़कर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और उन पर पानी की बौछारें की गई। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की तरफ से जो ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं ये कहाँ तक सार्थक सिद्ध होंगे। जिसके बाद 80 से ज़्यादा कांग्रेसियों को चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन सभी को थाना सेक्टर 3 के थाने में रखा गया है। यूथ कांग्रेस प्रधान बरिंदर ढिल्लो ने इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को बेवजाही कई घंटों से बिठाकर रखा जा रहा है, जबकि सब कुछ कागजों में लिखा हुआ है। कांग्रेस की केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक बदलाखोरी के तहत इस तरह की जो कार्रवाई है वो कर रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये अब देखना होगा कि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज 8 राज्यों में प्रोटेस्ट किया गया है उसका आने वाले समय में क्या नतीजे निकलते हैं। सो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से दमनप्रीत बादल। बादल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से सौरभ जोशी जुड़े हैं। जोशी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से गुरप्रीत गाबी जुड़े हैं। गाबी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के गुरप्रीत गाबी जी के पास ही जाना चाहूँगा। गाबी साहब, आज 8 राज्यों में प्रोटेस्ट किया है कांग्रेस पार्टी ने, और प्रोटेस्ट भी ऐसा हुआ है कि कहीं पर टायर जलाए गए हैं, कहीं पर पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ा गया है, कहीं पर बैरिगेटिंग पर चढ़कर प्रदर्शन किया गया है, पुलिस को पानी की बौछारें करनी पड़ी हैं। कांग्रेस पार्टी का ये प्रोटेस्ट किस ओर जाता नजर आ रहा है? जी गाबी जी, पहले थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि हमने राहुल जी से पूछताछ का विरोध नहीं किया है। जी जी, हम राहुल जी के साथ खड़े हैं। जी, हम उनकी इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं जो वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रहे हैं। देखो जोशी जी कितने खुश हैं, उनको पता सच्चाई कैसे भी बाहर आनी है। तो लगातार जो दमनकारी नीतियों के साथ ईडी सीबीआई के साथ लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों की आवाज विपक्ष को खत्म करने का काम किया जा रहा है, तो उसका ये नतीजा है। हम हमारे लीडर के साथ खड़े हैं। मैं अभी ना टीवी देख रहा था तो वहां एक नया शगुफा छोड़ा गया सरकार की तरफ से कि अग्निपथ से निकलेंगे अग्निवीर। वो ऐसे अग्निवीर निकले हुए हैं, आप टीवी पर देखिए, वो कांग्रेस तो नहीं करवा रही। आप लगातार देखिए क्या चल रहा है। और इसे हम कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब आपका टाइम बुरा शुरू हो जाता है तो आपकी बुद्धि जो है वो विपरीत दिशा में काम करना शुरू कर देती है। इसी तरह आपने लोगों को, आप ये देखिए आप क्या नीतियां बनाते हैं। 4 साल के कोई आर्मी में भर्ती होगा, भाग्य बच्चा क्या करेगा, कहां जाएगा, क्या उसका फ्यूचर होगा, ऐसी नीतियां लेके आ रहे हैं। और ऐसे इनके सलाहकार हैं जिन्होंने कहा कि जिस परिवार ने इस नेशनल हेराल्ड को चलाया, जिसने अपनी संपत्ति दी, जिसने सब कुछ दिया, आज उनको आप कह रहे हो कि वो आपका पैसा खा रहे हैं। इसलिए हम इसके विरोध में नहीं है। हम लोग तो राहुल जी के साथ उनकी लड़ाई में खड़े हैं। और उनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है? वो लगातार मोदी जी से सवाल पूछते हैं, वो लगातार अमित शाह जी से सवाल पूछ रहे हैं, वो लगातार बीच में ये सवाल पूछ रहे हैं, नौकरियां कब दोगे, आप बेरोजगारी कब खत्म करोगे, 400 रुपए का सेंटर आप लोगों ने 1100 कर दिया, उसको कम नीचे लेके आओगे, कब 200 का तेल, एक सरसों का तेल, आप जाइए कई स्टेटों के अंदर सरसों का तेल और नमक जो है वो दिहाड़ी दी जाती है। हमारे यहाँ भी जो लॉयंस कंपनी काम करती है वहां भी आप देखिए सरसों के तेल की क्या महत्व है, उनको सरसों का तेल और साबुन दिया जाता है, जो हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी उनको भी दिया जाता है वो। लेकिन सरसों का तेल जो है इन्होंने 200 रुपए लीटर कर दिया, ठीक है। खाने पीने की चीजें जो है उनका हाल देखिए, पिछले 15 दिन के अंदर जो महंगाई है वो 35% बढ़ गई। कहां से जवाब देंगे ये लोग? उनको बातों को दबाने के लिए इनके पास कुछ रास्ता नहीं होता तो ईडी को लेके आ जाते हैं। पिछली बार भी मैंने आपसे बात की थी, पहले जब इलेक्शन था 2014 का, ये जीजा जी करते रहे। जीजा जी के पास इतनी संपत्ति है, जीजा जी ने इतने करोड़ खा लिया, जीजा जी ने इतने करोड़ का धोखा कर दिया, सस्ती जमीन खरीदी महंगी बेच दी। जब सारी जांच हुई तो वही इनका तोता खुद ही बोल रहा था बाहर आकर के वो पाक साफ निकल
लिए उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता। तो ये जो काम करते हैं, एजेंसियों का जो दुरुपयोग करते हैं, उसको लेकर के हमारी लड़ाई है कि आप विपक्ष को खत्म करने का काम मत कीजिए। अगर किसी देश में विपक्ष नहीं होगा, किसी खतरे में पड़ जाएगी। और इन्हीं के एक महान नेता ने यह बात बोली थी, और इन्हीं के एक महान नेता ने, मैंने आपको पिछली बार कहा था 2002 के अंदर गुजरात में खड़े होकर कहा था कि मोदी जी राय धर्म निभाया करते हैं, हट धर्म नहीं निभाया करते। इनको तभी भी समझ नहीं लगता कि देश कैसे चलाना है। ये फिर वही बात, आज क्यों नहीं कोई जवाब आ रहा, आज सरकार की तरफ से क्यों नहीं कोई बोल पा रहा कि ये अग्निवीर से जो बनाने अग्निपथ से अग्निवीर बनते क्या हुआ, क्यों लोग युवा में आज इतना गुस्सा है? आपने सुबह भी राहुल जी का ट्वीट देखा, क्या किया उन्होंने, क्या क्या किस और देश को लेके जा रहे हो, किस और? चार साल की नौकरी कौन देता है भाई, चार साल की नौकरी। आप मतलब चार साल में उसको इतना ट्रेंड कर दोगे कि अगर वो चार साल में नौकरी के बाद जब उसे बाहर निकाला जाएगा, वो दुखी हो जाएगा, उसका फ्यूचर सेट नहीं होगा, तो किसी ना किसी गलत साइड पे चला जाएगा और वो वेल ट्रेंड बंदा होगा। आपने कभी ये चीज सोचे अपने दिमाग के अंदर? आपने कभी ये सोचा दिमाग के अंदर कि अगर वो बच्चा 24 या 25 साल की उम्र में भर्ती होगा और 30 साल की उम्र में रिटायर होगा, तो उसका क्या फ्यूचर होगा, किस फौज में जा पाएगा, किस वो अधारे में जाके नौकरी कर पाएगा? मतलब बिल्कुल भी नहीं सोचते, बिना सोचे समझे बस बड़े बड़े शब्द निकाल लेते हैं, अग्निपथ से अग्निवीर। आज अग्निवीर देखो क्या, और आप सड़कों में जाके देखो और बड़े दुख से किसान कहना पड़ता देखो, चाहे हम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, हमारे जो दफ्तर होते हैं उन्हें हम अपना मंदिर समझते हैं, उन्हें हम अपना गुरुद्वारा समझते हैं। आज दो जगह बीजेपी के दफ्तर जलाए गए, मैं इससे बड़ा आहत हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी का भी दफ्तर है उसका मंदिर, उसका मस्जिद, उसका गुरुद्वारा होता है। लेकिन यह सब हो क्यों रहा है कि युवा में क्रोश इतना ज्यादा आ गया? वो कहता है तुम लोग कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी। पहले 2 करोड़ नौकरियां साल में देंगे, हमने बरगला दिया लोगों को, लोगों ने आपको झोलियां भर भर के वोट दी, ठीक है जी, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में देंगे, फिर आपके दम तो जुमला था। मतलब यार इतनी बड़ी पोस्टों में बैठी हो, एक कोई होम मिनिस्टर है, कोई प्रधानमंत्री है, इतनी सम्माननीय पोस्ट होती है, आपने देश चलाना है, आपने सारा सिस्टम को चलाना है, और आप बिना सोचे समझे ऐसे डिसीजन ले लेते हो। जो केस बंद हो चुका था ईडी का, उस केस को आप दोबारा खोल देते हो, जो आप फाइल बंद करेंगे उसको दोबारा खोल देते हो। जी राहुल जी को तंग करो, ये बोल क्यों रहे हैं रोज, ठीक है ना? आप चार साल की नौकरी निकाल देते हो, चार साल की नौकरी कहाँ होती है? जोशी जी बहुत समझदार है, मेरे मित्र, हमारे भाई, हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे रहे हैं, तो मतलब इन चीजों को लेके हम लड़ते थे कभी के युवा का फ्यूचर सेट होना चाहिए। आपने तो उसका फ्यूचर घर में लाके खड़ा कर दिया, कि आपके पास जवाब है कि चार साल के बाद वो क्या करेगा? जी ठीक है, ठीक है। मैं आम आदमी पार्टी से दमनप्रीत बादल हमारे साथ जुड़े हैं। बादल साहब, जो आज सारा कुछ हो रहा है उसके उसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? दमनप्रीत बादल जी, देखिए जी, सबसे बड़ी बात है जो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये आज बौखलाई हुई है। ये ओपोजिशन, जो ओपोजिशन की भूमिका आम आदमी पार्टी निभा रही है, चाहे कांग्रेस निभा रही है, उनका काम है कि सरकारों से सवाल पूछना कि आपने इतने बड़े बड़े 56 इंच का सीना करके जो जुमले दिए थे वो पूरे कब करने हैं। आज देश का बेटा, बच्चा, यूथ बेरोजगार घूम रहा है। तो ये जो एक बदले की भावना के तहत जो एक ईडी, जो सरकारी संस्थानों का मिसयूज ये कर रहे हैं, इसके ये बहुत ही निंदनीय बात है। क्योंकि देखा जाए तो जो केस बंद हो चुके हैं, चाहे हम राहुल गांधी जी की बात करें, चाहे हम अपने जैन साहब की बात करें, मतलब उनके घर तो मिला भी कुछ नहीं, जैन साहब के घर तो मिला भी इनको कुछ नहीं, पर फिर भी क्योंकि जैन साहब ने हिमाचल में इनकी नेरी बना दी, इनके जो हिमाचल में एक रोल मॉडल तैयार कर दिया आम आदमी पार्टी का, तो उसको देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी है ये ओपोजिशन से आज बौखलाई हुई है। इनको कहते हैं ना जी, वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये ना खसियानी बीजेपी खंबा नोचे वाला काम कर रहे हैं आज की डेट में। इनके पास ना जनता के लिए कोई जवाब है, ना जनता के लिए कोई कार्य इन्होंने करे हैं। इनके 8 साल फेलियर को छुपाने के लिए ईडी का जो ये मिसयूज कर रहे हैं, जैसे सीबीआई का मिसयूज कर रहे हैं, और देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। हमने सिलेंडर योजना निकाली, वो जिनके लिए निकाली वो सिलेंडर भरवा नहीं सकते आज की डेट में। हमने घर घर सिलेंडर पहुंचाया, फोटो भी बताया, पर वो सिलेंडर भरवा सकते हैं क्या? इनके पास कोई है ही नहीं। इनके पास है तो अडानी है, अंबानी है, उनको फायदा कैसे दे दें? हम अडानियों को फायदा देंगे, हम अंबानियों को फायदा देंगे, हम देश बेच देंगे, धीरे धीरे सब बेच देंगे। इनके पास कोई और कार्य नहीं है,
बस ईडी सीबीआई को ओपोजिशन के खिलाफ ये यूज करते हैं। जी ठीक है, सौरभ जोशी जी, सौरभ जोशी जी आज 8 राज्यों में प्रोटेस्ट हुए हैं, उसमें एक जयपुर भी था, राजस्थान में भी प्रोटेस्ट हुआ और जयपुर में एक कांग्रेसी नेता की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी को कैद कर सके ऐसी कोई जेल नहीं बनी, आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात, पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा इंडिया न्यूज पंजाब का कि उन्होंने कम से कम इस पर डिस्कशन के लिए 3 पार्टियों के प्रमुख लोगों को यहां बिठाया। दूसरी बात, मैं हैरान हो रहा था कि जब ये डिस्कशन शुरू हुई, मैं एक पहले रिक्वेस्ट कर देता हूं कि हम जब डिस्कशन में बैठते हैं तो बीच में बात मेरी ना टोकी जाए, क्योंकि मैंने भी इन दोनों की बातें सुनी है। मैं अपनी बात रख दूं, अगर इनको लगता होगा कि मेरी कहीं बात गलत है तो उसके बाद रखें, ये मेरी इन दोनों से गुजारिश है। जी। अब देखिए शुरुआत कहां से हुई है, ये जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी बुला रही है, इसके इतिहास में अगर आप जाएंगे तो वो एजीएल एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का इंटरेस्ट फ्री लोन लेना 95 करोड़ रुपया किससे लेना, इंडियन नेशनल कांग्रेस से लेना, और इस पे एलिगेशन क्या लगते हैं कि ये लोन जो है दैट हैज नॉट बीन रीपेड, उसको वापस नहीं किया गया एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड द्वारा। अब भाई साहब ये केस शुरू कहां से हुआ, ये केस 2014 या 2019 में मोदी साहब की 2 गवर्नमेंट के समय में नहीं शुरू हुआ, ये शुरू होता है 1 नवंबर 2012 में। 1 नवंबर 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक प्राइवेट कंप्लेंट दिल्ली कोर्ट में न्यायालय में फाइल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी दोनों ने मिलकर नेशनल हेरॉल्ड के इस पे तकरीबन 16 बिलियन का फ्रॉड किया है। अब उसमें कैसे फ्रॉड किया है, तो नवंबर 2010 में जहां पे एक तरफ एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड बनाई गई थी जिसने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया, और लोन किसे लिया, राजनीतिक पार्टी से, और राजनीतिक पार्टी कौन सी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और यंग इंडिया कंपनी बनाई गई, यंग इंडिया कंपनी बनाई गई उस वक्त, यंग इंडिया लिमिटेड नाम की इनकॉर्पोरेट की गई, और उसका कैपिटल अमाउंट था 50 लाख रुपया, और उसकी शेयर होल्डिंग जो थी उस कंपनी ने, यंग इंडिया ने सारी की सारी शेयर होल्डिंग एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजीएल की ले ली, कितने की ली, 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी का, 50 लाख की कंपनी ने 5000 करोड़ की प्रॉपर्टीज वर्थ की एजीएल कंपनी की टेक ओवर एक्वायर कर ली। अब उसमें क्या हुआ, उसमें 3 मुद्दे आते थे जो स्वामी हमारे जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उसमें बात कही, उन्होंने कहा कि इसमें क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है बाय बोथ सोनिया एंड राहुल गांधी। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के तो आपको पता ही है, ये तो परिवारवाद है, परिवार से चलता आ रहा है। अब उसमें उन्होंने बोला कि एम्बेजलमेंट हुई है प्रॉपर्टी जो एजीएल बाय यंग इंडिया कंपनी ने की है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। अब ये उसमें मुद्दा तो ये है हाउ द मनी वाज रूटेड फ्रॉम सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी इनटू यंग इंडिया, कि इन्होंने उसको रूट कैसे किया, यंग इंडिया कंपनी जो इन्होंने इनकॉर्पोरेट की नवंबर 2010 में। जोशी जी आपको ये पता है, जोशी भाई बात नहीं, छोटी सी बात कहूंगा, हमने शेयर यंग इंडिया बना के उसमें शेयर धारक बने, उन्होंने 5000 रुपए का शेयर थोड़ा खत्म किया गुरु जी, उन्होंने 5000 रुपए का शेयर, आप क्लियर करो ना, उन्होंने 5000 रुपए का शेयर भी खत्म किया उसमें शेयर होल्डर बने पास, ठीक है ना, और एक डूबते हुए जहाज को बचाना चाह, आपकी तरह प्रॉपर्टियां बेची नहीं है देश की, आपकी तरह देश की प्रॉपर्टियां बेची नहीं है, देश की प्रॉपर्टी बेची नहीं है। अब आइए, अब मैं एक और इतिहास में जा रहा हूं, अब सेम आज ये बात कह रहे हैं कि ईडी के दफ्तर में बुलारी है भाजपा अपनी सरकार द्वारा। अब मैं याद कराता हूं, इतिहास में जाइए 27 मार्च 2010 में, आप इतिहास में ये भी जाके देखिए जोशी जी, क्या कभी किसी पार्टी के दफ्तर में घुसकर पुलिस ने डंडे मारे हैं, तब कांग्रेस पार्टी के 24 अकबर रोड के अंदर घुसकर पुलिस ने इतनी बर्बरता की कि ऑफिस के अंदर बैठे कार्यकर्ताओं से क्या डर था बीजेपी को, क्या डर था ईडी को, ऑफिस के अंदर कांग्रेस कार्यालय के अंदर, मेरा कांग्रेस कार्यालय आपका गमला होता है उसके अंदर बैठे कार्यकर्ता से क्या डर,
उसके अंदर का बैठेकर करते से क्या डर? आप मेरे को जोशी जी, आप भी संघर्ष करते हो युवा राजनीति से, छात्र राजनीति से। नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछ, आप देखो जी, आप सारी बात गलत घुमाओगे तो घर में लड़के सुन जाऊंगा। जहां मैं गलत बोलूंगा मेरे को तुमको, अगर आप गलत बोल, आप कह रहे जी सोनिया गांधी ने पैसा लूटेड कर दिया, आपको पता है सेक्शन 125 कंपनी लॉ के तहत ये कंपनी बनी जिसमें 1 रुपए का फायदा लिया भी नहीं जा सकता ना लिया जा सकता है, तो कैसे घबरा हो गया, फिर मैं कैसे बोलने दू? आप मनी होती है, आप मेरा लॉजिक गलत कर दीजिए कि 90 करोड़ रुपए मैं तो तभी डूब रहा था, लॉजिक गलत है सोनू भाई। 2012 में लॉजिक गलत है सोनू भाई, मैंने इसलिए आपको डॉक्टर मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है आपको पता है, ठीक है ना? एक दूसरी कंपनी को, एक वो अखबार जिसका इतिहास है, जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उस अखबार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, ठीक है? कांग्रेस पार्टी खोलो, जो कहती थी अंग्रेज को बाहर छोड़ो, और जो आज इस कंपनी को डुबोना चाह रही है वो कौन है? वो लोग थे जो भाजपा वाले आरएसएस वाले कहते हैं अंग्रेजों बाहर छोड़ो। तो ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ आपकी मेरी नहीं है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। ये लड़ाई 1947 से पहले की चलती जा रही है, इस अखबार के माध्यम से 1935 में दोबारा शुरू की गई, लेकिन इसको खत्म करने की कोशिश वो भाजपा द्वारा की जा रही है। मोदी जी की एक पहले अंग्रेजों ने अपनी दमनकारी नीतियों से इस अखबार को बंद करने की कोशिश की, दो बार बंद किया, फिर दोबारा चलाया। और जिस नेहरू जी को आप पानी पी पी के कोसते हो, उनके बनाए हुए से शहर में बैठ के आराम से इसी चेयर के ऊपर बात कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो, ये भी उन्हीं नेहरू जी का बनाया हुआ है और ये अखबार भी उन्हीं नेहरू जी का बनाया हुआ है। जी ठीक है, ठीक है। दमन प्रीति, दमन जी बात मुझे पूरी करने दीजिए, जो मैं गलत हूंगा वो आप रखिएगा आराम से। जी जी, अब भाई साहब मैं आ रहा था, अब 13 जून 2022 को जोशी जी थोड़े शब्दों में, जोशी जी थोड़े शब्दों में, 11 तारीख को सारी अखबारों में न्यूज आती है कि राहुल गांधी जी द्वारा सारे एमपी को व्हिप निकाल दिया गया है कि उनको ईडी के दफ्तर के बाहर पहुंचना है। अब वीडियो को किसने निकाल दिया? किसने का? अरे यार जोशी भाई, इतना बड़ा झूठ आप भी पूरा सब चल रही किया गया, किसने का भी पूछा नहीं भाई, यार क्या बात कर दी आपने, क्या बात कर दी, मतलब बाकी बहुत घबराते हो आप, इतना घबराते हो कि आप सड़कों के ऊपर है, जैसे ही प्रदर्शनों का देखते हो डंडों का शुरू रहता है, ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? जैसे आपको ईडी के अंदर की सारी बातें पता लग जाती है, अमित शाह जी बोल देते ईडी ने सर रूम से ये सवाल किए, वैसे आपको भी पता लगी क्या? एक एक करके, एक एक करके बात नहीं समझ लिया राणा जी, इनको इन्होंने विप की कॉपी दिखा दो, विप टारी की कॉपी दिखा दो, काम विप जाने वाला है। एक मिनट, एक सवाल है मेरा जोशी जी, पहले मुझे रखने दें, जो ईडी के सवाल पूछे गए, जिनको जो लोग भी ईडी के दायरे में होते हैं जो सवाल थे वो बाहर नहीं बताए जाते, लेकिन पता नहीं कैसे वो बीजेपी वालों को पता लग जाते हैं, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं राहुल जी से ये सवाल पूछे गए, इसका मतलब ईडी आपको ईमेल करती है ना साथ के साथ में कि देखो जी आज होम मिनिस्टर साहब ने ये सवाल पूछे थे, वैसे ही आपको भी जारी होगी, कोई पता लग किसी को के पास क्या यार जोशी साहब। दमन जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? दमन जी अच्छा देश निकाल दिया, क्या कहते हो,
छोटी सी मदद और कर दो, जैसा कि 50,000 की कंपनी 80 करोड़ 5 लाख की कैसे होगी वो बता दो बस। ये भी मान लो वो सच्चाई ना मान गए कि अभी भी करते हैं और अमित शाह जी भी करते हैं, ठीक है ना। इन्हें तो पूछताछ के लिए बुलाया गया, अमित शाह जी को क्लीपर किया गया, खुदा मान रहे हो किसी भी। वैसे देखो आपका वहां पहले काम बड़ा दलदा आपके साथ करते हैं, आपकी बात नहीं मानते बीजेपी वाले। अब आप क्या कह दी ना कि भी गलत है मोदी जी भी अमित शाह जी, आपके लिए और मुश्किल हो जाएगी यार। आप भाई साहब बोलने दो गापी जी, दमन जी कुछ पूछना चाहते हैं। मैं तो आपकी बात ये रख रहा हूँ जोशी भाई, कि आपने कहा जो बंदा लिप्त होता है वही पुलिस स्टेशन में और ईडी दफ्तर में जाता है, तो मैंने तो आपकी बात का जवाब दिया, इसका मतलब है। और आप इस बात से डर रहे हैं, गावी जी जोशी जी 2 मिनट दीजिए। दमन जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, जोशी साहब क्यों बोल रहा हूँ भाई, तड़ी पार नहीं हो जाएगी अमित शाह जी, तड़ी पार नहीं हो जाएगी। जय शाह की कंपनी 50,000 की थी, 80 करोड़ की कैसे होगी, मैं तथ्यों में बोल रहा हूँ। भ्रष्टाचार जनता पार्टी को सवाल पूछने लग जाती है, मैं आपको बताता हूँ। 8 साल में सरकार में भ्रष्ट नेताओं ने कितने बड़े बड़े स्कैम करे हैं, रफेल में फ्रांस की गवर्नमेंट से पैसा आपने खा लिया, इंडिया के जो सेना के जवान है। जोशी जी सवाल ले रहे हैं, जोशी जी सवाल ले रहे हैं, फिर आप जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री सवाल किया श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में स्टेज के ऊपर खड़े होकर बोला था कि मोदी जी राजधर्म भाई है, देश के प्रधानमंत्री को क्यों बोलना पड़ा मोदी जी राजधर्म भाई है। जवाब है आपके पास इस बात का, जवाब है इस बात का, आपके पास जवाब है इस बात का कि क्यों देश के प्रधानमंत्री को खड़े होकर तब बोलना पड़ा अटल बिहारी वाजपेयी साहब को कि मोदी जी राजधर्म भाई है। जवाब है, जवाब है, जवाब है, जवाब है। हमारे पास तो वीडियो क्लिप भी है, जब हम अटल बिहारी वाजपेयी साहब बोल रहे थे सारी प्रेस के पास होगी, बच्चा बच्चा गूगल करे जो मेरे को सुन रहा है, बच्चा बच्चा हर सिटीजन अपना जाके गूगल पर सर्च करे कि 2002 में गुजरात के अंदर श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय उन्होंने क्या कहा था मोदी जी के लिए, तो सभी को पता लग जाएगा कि गुरप्रीत गांधी गलत बोल रहे हैं, के जोशी जी गलत बोल रहे हैं, और मोदी जी की छवि पता लग जाएगी। और बताओ गापी जी, मैं बोल लूं अगर, मैं तो तथ्य से बोलूंगा जोशी जी, आप नहीं बोलने दोगे आज, क्योंकि आपको पता है आप बोलने वाला नहीं है। आप मुझे 2 मिनट, अरे मैं प्रभु मेरे भाई, मैं तो बोलने दे रहा हूँ, आप कह रहे हो तथ्य नहीं है, मैं तो आपको तथ्य बताएं। बादल जी आप फिगर के दिखा दो स्क्रीन, ठीक है गावी जी जोशी जी, ठीक है गावी जी जोशी जी, कोरोना का दूसरा चरण है जी, गावी जी जोशी जी 2 मिनट दीजिए, जोशी जी 2 मिनट दीजिए। भाई साहब मैं 2 सवाल का जवाब चाहता हूँ, हमें तो सिर्फ इतना पूछना है कि ये जो 2014 से पहले तो मोदी सरकार नहीं थी ना, अब 2012 से ये कंप्लेंट फाइल हुई थी और उस कंप्लेंट को लेकर इन्होंने अपील भी डाली उसको बीच में रुकवाने के लिए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक गए, उसमें इनकम टैक्स एसेसमेंट का भी केस चला सोनिया और राहुल गांधी पर, और उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टर के पास। मैं जवाब दूं, सौरभ भाई जवाब दूं, गापी जी 2 मिनट टाइम, ठीक सॉरी, मनी लॉन्ड्रिंग के पास ही इनका ईडी के पास केस गया। अब देखिए साधारण सा प्रश्न है कि 90 करोड़ रुपया लोन एक बैंक देता है या एक गापी जी जैसा व्यक्ति देता है? अब राजनीतिक पार्टियां भी 90 करोड़ का लोन देती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो किसको देती है? राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी को। तो भाई साहब जब ऐसा काम का होगा तो कहीं ना कहीं आवाज तो उठेगी, अगर आपने गलत काम नहीं किया तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जोशी जी जवाब लेंगे इसका, जोशी जी इसका जवाब लेंगे। हाँ जी गावी जी,
आपने अपने मेरे को जवाब देने दो ना जी, अब इन्होंने सवाल कर लिया, जवाब मेरे को देने दो। क्या जोशी जी आपको ये नहीं पता कि इसके ऊपर फाइल होगी फंडिंग रिपोर्ट, इसमें कुछ लेन देन नहीं है? आप क्या कहो ने दोबारा रिपोर्ट खुलवाई, आप क्या कहो ने दोबारा रिपोर्ट खुलवाई? क्या राहुल जी बहुत बोल रहे हैं, राहुल जी को चुप कराओ, पर वो राहुल कहाँ चुप करने वाला है? ठीक है ना, ठीक है ना। और वही बात है कि आप कह रहे हो कौन सी कंपनी, जिस अखबार को कांग्रेस ने शुरू किया, जिस अखबार का वर्चस्व कांग्रेस ने बनाया, जिस अखबार ने आजादी की लड़ाई लड़ी, उस अखबार को दोबारा भी लोन देना पड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी देगी? ये मेरा आपसे वादा है। आज हमारे साथ अखबार इस डिबेट में जुड़ने के लिए आम आदमी पार्टी से दमनप्रीत बादल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बीजेपी से सौरभ जोशी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कांग्रेस पार्टी से गुरप्रीत गावी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सवाल जो हैं बहुत वाजिब हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बीजेपी से सवाल पूछते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस से सवाल पूछते हैं, या फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछते हैं। सवाल आपके बहुत वाजिब हैं। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि हम सवाल पूछने के बाद उत्तर लेने की कोशिश ही नहीं कर रहे, तो इसके कारण क्या होता है कि बात समझ में नहीं आ रही। सवाल आपके सबके बहुत वाजिब हैं, लेकिन उसका जवाब लेने के लिए थोड़ा सा समय हम दूसरे प्रवक्ता को ज़रूर दें। और खबरें देखने के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।